किसान नेताओं ने आर पार की जंग का किया ऐलान। जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज आपके लिए इम्तिहान का दिन है। जी हाँ, दरअसल पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली आने लगे हैं। इसकी वजह से दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक जाम लग गया है। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच ऐलान के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। हालांकि इससे पहले 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी पर बात बेनतीजा रही और इसी बात पर बात बिगड़ गई, जिसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया है कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। जरा सुनिए किसान नेताओं का इस पर क्या कहना है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम पूर्व भारत से 200 से प्लस जथेबंदियां जो संगठन है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपनी अपनी तरफ से, और यहाँ पे फौजें खड़ गई है। ये आंदोलन जो अधूरा छोड़ के आए थे उनको पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। कोई समझौता नहीं होगा, कोई बातें कुछ बातें सब चल रही है, लेकिन बिंदु पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक एक बात भी डन नहीं हुई। बता दें कि आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर लगे ट्रैफिक जाम की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरा सुनिए जनता का इस पर क्या कहना है। बहुत जाम लगा हुआ है। कितनी देर हो गई आपको? आधा घंटा। कहाँ जाना है? सेक्टर 65। बहुत कतारिया जाम में, तो जाम ही जाम लग रहा है। कितना जाम ही जाम है। लोगों का आना जाना दुश्वार है। ये प्रोटेस्ट के चक्कर में आम जनता परेशान हो रही है। मैं 9 बजे का निकला हूँ और अभी तक मैंने केवल 10 किलोमीटर के लगभग की दूरी तय करी है। इतना हैवी ट्रैफिक है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, सारे बंदोबस्त आपके सामने, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की परेशानी किसी भी आदमी को न हो। फिलहाल आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही 1 महीने के लिए राजधानी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।